हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रवि पाल व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए जी, हम अपने ससुराल में आ चुके हैं और आज जा रहे हैं हम खेत में घूमने के लिए। ये देखो, गांव के बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। और मैं फ्रंट कैमरे के इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि ससुराल है ये मेरा। ऐसे थोड़ा ना कि कहीं भी मतलब मुंह के सामने अड़ा लिया कैमरा। और ये देख सकते हैं आप, रोड पर पूरी भीड़ हो रही है क्योंकि बारिश अभी थमी ना, सुबह से बारिश आ रही थी। और मैं पहुंच चुकी हूँ अपने पथवारे के पास में, यहाँ पे ऊपर पाता जाता है। ये देखो, बिटोड़े बांध दिए गए हैं पत्ती से। इतना मैं अपने मायके से घूम पाई। एक ये वाला बिटोड़ा है और एक ये वाला, और गोबर यहाँ पर उतारेंगे। मेरे रवि के पापा हल लग रहे ट्रैक्टर लेके। तो जी, थोड़ी देर बाद ये ट्रैक्टर लेकर आ गए थे और मैं बैठ चुकी हूँ बुग्गी में। और ये चला रहे हैं ट्रैक्टर। बाबू जड़ भी गए, एक भी नहीं आम है। चमक आ रही लेकिन बरसात के बाद बढ़िया। अभी देखते हैं कहाँ बचाएंगे क्योंकि सड़क बड़ी बारीक है और आगे पीछे से ट्रैक्टर आ रहे हैं। ट्रैक्टर स्टार्ट किया है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में और ये उतार रहे हैं गोबर और इसका खाद बनेगा अब जा, क्योंकि उबले तो इसके बनने के नहीं अब जा, क्योंकि बरसात आ गया ना अब जा जल्दी जल्दी, इसीलिए। तो यहाँ पर उतार के अब इस खेत में से घास काटना हमें। और ये हमारी मुंजी लगी हुई है यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी होगी, बाल आ जाएगी थोड़े दिनों में, जिसको बोलते हैं जीरी। हमारे यहाँ तो मुंजी बोलते हैं। ट्रैक्टर चलाना सिखा दो आज मुझे पहले, फिर काटेंगे घास। क्या खूब नजारा है खेत का, हरियाली ही हरियाली। और इतनी हरियाली में ये गोबर क्या काम कर रहा है यहाँ पे, गंदगी फैलाने का। नहीं, जब इसका खाद बनेगा ना तो यही तो हरियाली करेगा इसे खेत को, क्योंकि पहले लोग इस खाद को ही डाल लग रहे थे तो खेती भी और रोक रही थी। और अब जो सारे बीज मतलब मोल का है, सारी दवाई वगैरह, तो सब बेकार। लोगों के शरीर भी खराब इसीलिए ज्यादा रहे हैं क्योंकि दवाइयों से ही हुआ है जब जो कुछ हुआ है आज के टाइम में। तो इस चीज़ को तो कोई मानता भी नहीं, वरना पहले लोग गोबर का खाद बना कर डाल रहे थे और फसल भी एकदम अलग ही चमक आ रही थी। तो देखो चारों ओर का नजारा, यहाँ भट्टा भी है इधर पास में। ये भट्टा चलता क्यों नहीं है? अब तो ये और भी बन सी गया परे को, ये तो रेता की था पहले। तो जी, हम ट्रैक्टर तो पर खड़ा करके आगे, और ये मुझे यहाँ ले आई अब चेरी के बर्थडे में। ओ ये आज तो मुझे चेरी काटनी पड़ेगी। हाँ।
ये देखो उस भट्टे से हम कितनी दूर आ लिए। हसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, काट लो चेरी फिर न मिलेगी। खिंडा बना है डाल यार, धरने भी साफ सी बात है। अब मैं पे इतना सोनी करो वाक काटना पानी सही सी बात तो या। अब ये दूसरी बात है, अपना वेट बढ़ा हुआ है, बैठने में असुविधा हो रही है। तो जी मुझे आ सके है बहुत सारे पसीने, थोड़ा सा घास काटने पे ही क्योंकि बहुत दिनों बाद धूप की हवा खा रही और वो भी एकदम खुली। खेत में तो वैसे भी ज्यादा धूप लगे है लेकिन हवा भी इतनी लगे, देखो बहुत अच्छी हवा लग रही। पर यह गर्मी के आगे ये हवा फैल हो जावे और कभी कभी चले, क्योंकि कुदरती हवा तो ऐसी हो, जब जी चाह जब चली, जब जी चाह जब बंद होगी। तो अब जो देखो बंद सी होगी ना, अब गर्मी लगन लगी और झोंका सा आया बस एक बार को, फिर अच्छा सा लगा बहुत ज्यादा और फिर ऐसे हो जावे। थोड़ी बार अभी काट रहे हैं चेरी, तो अब बस चेरी काटने के बाद जब मिलेंगे देखे जी चेरी हमने काट ली है और अब हम चल दिए हैं घर की ओर। ये उठा ली मैंने दांती, इनका फोन और इन्होंने उठा ली गठिया, चेरी की गठिया। अब चलते हैं, 5:30 बज गए, मैं सोच रही थी 5 बजे तक चली जाऊंगी घर। तो देखे जी हमने ट्रैक्टर में रख लिया था घास, निकलने की नहीं, उसके नीचे है रस्सी के जिससे गठिया बांध रखी है। दांती कह रहे थे कि कभी दांती गिर जाए, वैसे तो रख रखी, तो मैं इधर को जाऊंगी दौड़ कर पैदल पैदल इतना, और ये इधर को आऊंगी ट्रैक्टर लेकर। और इधर देखो हमारी लाल फूल खड़ा हुआ है, तो बहुत सारा साग बनाना चाहिए, पर किसी और दिन ले जाऊंगी, आज तो टाइम नहीं है, सूरज छिप गया। देखो कितने बादल छा रहे। चेरी काट कर हम चल दिए हैं अब घर की ओर, और एक दो रील बनाएंगे। और यहाँ पे देखो पानी चल रहा है खेत में, इसमें मुंजी के खेत में। हम पहुंच चुके हैं घर। घर आने के बाद मैंने बना दिया था दलिया, जो कि आज पूजा करने वाली है। दलिया से इसको बोलते हैं ख्वाजे का दलिया, तो इसकी पूजा होती है
नल के पास में, मतलब ना लो समरसेबल हो, हमारे यहाँ पर तो समरसेबल लगा हुआ है वैसे तो। पहले लोग नल की करते थे, जो हाथ से चलता था नल, और मैं यहाँ पर समरसेबल के पास आ गई थी तो मैंने यहाँ पर पूजा स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पहला मैं करूँगी और फिर उसके बाद आदि करेगा। मेरे बाद पहले मैंने धूप उठाई और फिर उसके बाद आदि ने। और अब करते हैं अपनी वीडियो का एंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। राम राम जी।